इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलिएगा, जिसे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले। आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें बेशक 4K के अंदर, अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है तो कोई भी आपकी वीडियोस नहीं देखेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है साद और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपने चैनल के लिए ढूंढ रहे हैं एक अच्छा और बजट वाला माइक, तो आप बिल्कुल सही वीडियो की तरफ आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है उसे क्लिक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन आता है उसे भी क्लिक करके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएंगी। और आज की वीडियो के अंदर मैं रखूंगा लाइक्स का एम, तो इस वीडियो के ऊपर कम अज कम लाइक्स मुझे चाहिए 25। ये वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे लोग कहेंगे यार ये बंदा तो इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी जो गेयर है आपके पास वो आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता। आप 480p या 360p की वीडियो रिकॉर्ड करें कोई बगैर ऑडियो के, अगर आपकी चीज़ अच्छी है लोग आपको फिर भी पसंद करेंगे। मगर कुछ होते हैं हम जैसे लोग जिन्हें चाहिए होती है चीज़ सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, और अपने व्यूअर्स को देना होता है सबसे अच्छी क्वालिटी। ये एज अ यूट्यूबर भी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ अपने यूट्यूब अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें दे दें। तो सबसे पहले हम माइक की बात करें तो माइक नहीं है, सबसे आसान और सस्ता जुगाड़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर तो आपके पास घर में पड़ी है कोई हैंड फ्री या कोई भी पुरानी हैंड फ्री या नहीं भी है तो जाके बाजार से 100-150 रुपए की ख़रीद लें, मगर उस हैंड फ्री के अंदर होना चाहिए ये माइक्रोफोन। अगर उस हैंड फ्री के अंदर माइक्रोफोन है तो समझ लीजिए आपका माइक जो है बिल्कुल तैयार है। उसके साथ आप आते यही कर लीजिए कि पहले दो उसके जो कानों में लगाने वाले होते हैं एयरपॉड्स उन्हें काट लीजिए, इसे इस तरह लगाइए और ये बन गया आपका माइक। अब आपको इसको लगाइए फ़ोन के साथ लगाएं, बेशक कैमरे के साथ लगाएं, ये आपका बन गया होममेड माइक। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो माइक आप लोग देख रहे हैं इस वक्त ये मेरा पहला माइक था जो मैं यूज़ करता था वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ये माइक काफ़ी अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी क्लैरिटी तो नहीं देता ये, मैं कहूँ थोड़ी सी ऐसी रोबोटिक वॉइस आती है, मगर बैकग्राउंड नॉइज़ जो होती है वो थोड़ी सी कम आती है और आपकी वीडियो में क्वालिटी जो है ऑडियो की बेहतर होती है। तो ये आपको मिल जाएगा माइक कोई 100 या 50 रुपए के अंदर। अगर अब आप लोगों ने कर लिया है अपनी हैंड फ्री को ख़राब और आप सोच रहे हैं यार अब लेना है माइक, तो माइक लेना है तो उसके लिए कोई 1000 रुपये नहीं खर्चने पड़ेंगे, आजकल माइक बड़े सस्ते सस्ते हो गए हैं। तो पहली ऑप्शन जो आपकी होनी चाहिए माइक लेने के लिए वो होनी चाहिए आपका लेवियर माइक, मतलब कि कॉलर माइक। ये कॉलर माइक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी प्राइस है 250 रुपीज़ और ये काफ़ी सस्ता माइक है। ये कोई सिलिकॉन कंपनी है जिनका ये मिनी माइक्रोफोन है और ये मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए के अंदर। इसे आप लगाइए अपने कैमरे के अंदर, बेशक स्मार्टफोन के अंदर लगाइए, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा क्लिप जो आप मेरा कैमरा जो है फोकस पे फिक्स हुआ हुआ है तो इसलिए सही तरह हम देख नहीं पा रहे होंगे, मगर ये जो क्लिप है बेसिकली यही है, इसको लगाएं इधर और आप करें अपनी वीडियो शूट किसी भी गैजेट के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा 250 रुपए का। इसका एक महंगा वर्जन भी आता है 800 रुपए का, वो उसकी जो है क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है। इसके ऊपर एक कुशन लगा होता है वो मुझसे गुम गया है और ये आपको माइक अच्छा काम दे देगा। अब इस माइक को थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, तो इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 250 रुपए के लेवियर माइक के साथ। आपको आवाज़ के अंदर क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क तो सुनाई दे रहा होगा, मगर इसके अंदर जो है बैकग्राउंड नॉइज़ और बैकग्राउंड जो चीज़ों की जैसे गाड़ी वगैरह या ट्रैफिक की आवाज़ आती है वो थोड़ी कम आ रही होगी। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे 250 रुपए का लेवियर माइक, जो कि आराम से भी कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। और बताता चलूँ हर प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हुआ है। अगली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये मेरी हाईएस्ट रिकमेंडेड माइक है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स टेक्निकल गुरुजी हो जाए और कोई भी बड़ा यूट्यूबर आप जो इस टाइम देखते हैं चैनल्स के ऊपर वो यूज़ करते हैं इस माइक को। ये है बोया M1 का लेवियर माइक। बोया M1 का लेवियर माइक इसलिए मशहूर है क्योंकि ये है बहुत सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी में। ये कम्प्लीटली एल्यूमिनियम का बना होता है, प्लास्टिक इसमें यूज़ नहीं किया जाता और बहुत अच्छी और क्लियर साउंड क्वालिटी आपको देता है। अगर टेक्निकल गुरुजी पिछले 2 साल से माइक यूज़ कर रहे हैं
तो इसके अंदर कोई खास बात तो होगी। तो ये माइक जो है बेहतरीन माइक है यूट्यूबर्स के लिए, और आप फाइनली अब अपग्रेड करना चाहते हैं अच्छे माइक के ऊपर, तो ये माइक जो है ये बेहतरीन माइक है और ये बहुत क्रिस्प ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करता है। एक चीज़ थोड़ी सी मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि जो मैं वीडियोस बनाता था अपने मोबाइल के साथ उसमें आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती, मगर जब आप इसको लगाते हैं अपने DSLR के साथ और इसका यूनिट बैटरी को ऑन करते हैं कैमरा की तरफ, तो ये एक बहुत प्रीमियर क्वालिटी का माइक्रोफोन बन जाता है। अगले जो दो माइक हैं वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। अगर आप अपनी गेम इधर से इधर ले जाना चाहते हैं ऑडियो के अंदर, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कुछ और ना देखिए, पैसे जोड़ के रोड का ले लीजिए माइक। रोड के ये शॉटगन माइक्स होते हैं, ये यूज होते हैं जिस तरफ आप पॉइंट करेंगे उधर की ये ऑडियो को पिक करेंगे और आपको दे देंगे। ये मेजरली यूज होते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं कोई प्रैंक फनी आउटडोर वीडियोस बनाने के लिए, तो ये रोड का माइक बहुत अच्छा है। ये ब्लॉगर्स के लिए भी बहुत बड़ी चॉइस है इस टाइम पे ऑडियो के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें तार नहीं होती और ऊपर ये सिर्फ माउंट हो जाता है और इसका इतना वेट भी नहीं है। दूसरी बात, ये कोई सेल भी नहीं लेता, सिर्फ कैमरे से ही पावर यूज कर लेता है। अगर अब आप बन जाते हैं कोई 1 मिलियन वाले यूट्यूबर और आप चाह रहे हैं कि यार बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद आता है Zoom का H1। Zoom का H1 एक अच्छा और प्रीमियर माइक्रोफोन है जिसके अंदर वॉइस बहुत क्रिस्प रिकॉर्ड होती है, बहुत अच्छी और प्रीमियर क्वालिटी की होती है रिकॉर्ड। और इसके बाद शायद मैं अब ये वाला माइक्रोफोन लेने की सोच रहा हूँ, जब भी मैं अपग्रेड करूँगा तो मैं यही माइक्रोफोन खरीदूँगा। तो अगर आप लोग अच्छा बजट में हैं, अगर आपके पास कोई स्पेयर 12 से 13 हज़ार या 20 हज़ार रुपये है माइक्रोफोन के लिए, तो आप ये माइक्रोफोन बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं, माइक भी कह सकते हैं, ये माइक है काफ़ी अच्छा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के पास कोई भी अगर मेरे लिए कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लाइक करना चाहते हैं वीडियो को तो लाइक कर दें, डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कर दें, और मेरी वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करते चले जाएं ताकि मैं इस तरह की आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को इस तरह देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को इसी तरह दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।